नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। कल 28 जुलाई को हेपेटाइटिस बी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है सबसे पहले तो ये जानेंगे, दूसरा इनके लक्षण क्या हैं और किस तरीके से इसका उपचार संभव है प्राथमिक तौर पर। डॉक्टर विशाल खुराना हमारे साथ मौजूद हैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद से। डॉक्टर बताएँ, ये छोटी जी धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर विशाल खुराना, मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। कल 28 जुलाई पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में ये मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य इस दिन को सेलिब्रेट करने का यही होता है कि हम हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता सारी दुनिया में पहुँचा सकें, क्योंकि एक डिसीजन लिया गया है कि आने वाले 2030 में इस हेपेटाइटिस को एक बीमारी के रूप में हम ख़त्म कर पाएँ। जैसे कि आप जानते भी होंगे, 2 साल पहले भारत ने वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम भी चालू किया हुआ है। अच्छा डॉक्टर, सवाल आपसे ये है, हेपेटाइटिस बी ये क्या चीज़ है? देखिए, जब मेरे से नहीं बोला जा रहा तो आम आदमी तो समझेंगे क्या इसको? इसको एक तो हिंदी में बताएं कि इसको क्या कहते हैं, मोटे मोटे तौर पर देहाती भाषा में जैसे कहते थे। दूसरा, इसके लक्षण क्या अगर किसी इंसान में हो तो? देखिए, अगर हेपेटाइटिस अगर हम बोलते हैं, जैसे कि नॉर्मल भाषा में इसको बोला जाता है लीवर की सूजन। जो लीवर की सूजन है उसके कई कारण होते हैं। एक कारण होता है मदिरा का सेवन करना, दवाइयों की वजह से, और एक कॉमन कारण होता है हेपेटाइटिस वायरस की वजह से। मुख्य रूप से 4 प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। हेपेटाइटिस ए और ई ज़्यादातर एक्यूट डिजीज़ करते हैं, जो कि कुछ समय तक लगभग 3 से 6 महीने के अंदर शरीर से पूरा साफ हो जाता है। उसके बाद उसकी कोई फ्यूचर में सिग्निफिकेंस नहीं रहती है। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी और सी, ये क्रॉनिक डिजीज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे शरीर में लंबे समय तक रह सकते हैं। अगर भारत की हम बात करें और ख़ास करके इस दिल्ली NCR की अगर हम बात करें, तो हेपेटाइटिस बी और सी लगभग 2 से 3% भारतीय लोगों के अंदर पाया जाता है। तो इसलिए हमारे को जानना जरूरी है कि हम 100 में से अगर 3 मरीज से लोगों से मिलते हैं तो 3 लोग हेपेटाइटिस बी या सी में से संक्रमित हो सकते हैं, और 95% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं है, तब भी उनके अंदर ये बीमारी पनप रही होती है। आगे जा कर के जब ये बीमारी तेज होती है, तब लोग जब टेस्ट कर, इसके लक्षण की बात करें तो इसमें मरीज़ को अगर हल्की बीमारी में है, साइलेंट डिजीज़ में है, तो कोई सिम्टम नहीं होंगे, तो आप टेस्ट कराएंगे तो उसमें पता चलता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस तेज रूप में है, तो पेशेंट को पीलिया, बुखार, मिचली होना, पेट में दर्द, आँख और पेशाब पीले रंग की होना, अगर ये बीमारी लंबे समय तक पनपती रह जाए, जैसे 6 महीने से ऊपर हो जाए, और तो ये आगे जा कर के लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। जिस इसका इलाज संभव है, इसका इलाज की अगर हम बात करें, तो हेपेटाइटिस ए और ई, जैसे कि मैंने बताया, ये एक्यूट डिजीज़ होती है, अपने आप शरीर से निकल जाती है। इसमें मरीज़ को लक्षण के हिसाब से इलाज देना होता है, जैसे उल्टी है तो उल्टी की दवाई, पेट में दर्द है तो पेट के दर्द की दवाई, अगर नहीं खा पा रहे हैं तो IV फ्लूइड। और रही बात हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस सी जो है वो क्योरेबल डिजीज़ है। आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ जिससे वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती है, और हेपेटाइटिस बी की रोकथाम दवाइयों के द्वारा संभव है, जिसकी दवाई अवेलेबल है, सरकारी केंद्रों में भी अवेलेबल है। बस जागरूकता की ज़रूरत है कि इस टेस्ट को कराया जाए, हेपेटाइटिस बी और सी, ताकि पता कर सकें जो लोग कम्युनिटी में हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है, उसको लक्षण आने से पहले हम पकड़ सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने लोग जागरूक हैं? अगर कोई आंकड़े की बात करें हेपेटाइटिस के प्रति, कितने लोग जागरूक हैं पूरे भारतवर्ष में? देखिए, जागरूकता की बात करें तो जागरूकता भारत ने पिछले एक दो साल से ही चालू किया है। बाकी इसके लिए हर साल इसी समय मीडिया में, न्यूज़पेपर में बहुत, और टीवी में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, आर्टिकल्स आते हैं कि लोग इसके लिए जागरूक करें रहें, लेकिन आम तौर पर अगर हम रियलिटी की बात करें, लोग जागरूक नहीं हैं। लोगों को पता नहीं है कि अगर लीवर की सूजन है, टेस्ट कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट या अल्ट्रासाउंड, उसमें कोई गड़बड़ी आती है, उसके बावजूद भी हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट ज़्यादातर लोग नहीं करवाते हैं, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं। क्योंकि लोग इस बीमारी को जब तक समझेंगे नहीं कि ये आगे जाके आपको तकलीफ़ दे सकती है, तब तक वो लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। इसीलिए 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार का जो वर्ल्ड का थीम है उसका है एक्ट नाउ अदरवाइज हेपेटाइटिस विल नॉट वेट फॉर यू, कि आप आइए टेस्ट कराइए। इसलिए अभी तुरंत टेस्ट कराइए,
और अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी है तो डॉक्टर से परामर्श करके इलाज कराएं। अगर हेपेटाइटिस बी और सी नहीं है तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लें अगर आपने नहीं ली है। डॉक्टर साहब, लीवर को दुरुस्त कैसे रखा जा सकता है, एक दो लाइनों में? देखिए, अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर को दुरुस्त रखने के लिए आप पौष्टिक आहार लें, साफ़ सुथरा पानी पिएं, क्योंकि हेपेटाइटिस ए और ई जैसे हम बताएं तो ये दूषित खाने या खाने की आइटम या पीने की आइटम से आता है, और हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो ज़्यादातर ब्लड से फैलता है, जैसे नीडल शेयरिंग करने से, कॉन्टेमिनेटेड नीडल से, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से, दूषित ब्लड या दूसरी सुइयां लगवाने से या शारीरिक संबंध से। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस सब कुछ अगर हम करेंगे तो हम बचे रहेंगे। और अच्छा खाना खाना है, साफ़ सुथरा खाना खाना है, और खाना आपका जो खाएं उसमें वसा कम हो, चीनी की मात्रा, रिफाइंड शुगर की बात करते हैं तो रिफाइंड शुगर आप कम से कम रखें, और आधा घंटा रोज़ सैर ज़रूर करें। धन्यवाद। आपने विस्तार से सुना डॉक्टर विशाल खुराना को, जो कि फरीदाबाद के नामी हॉस्पिटल मेट्रो हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, और इन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस बी क्यों मनाया जाता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, क्या इसके लक्षण हैं। आप सभी को ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो कृपया शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।